नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, साथ ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग शुरुआती तौर पे हारमोनियम बजाना सीखते हैं तो अगर कोई परफेक्ट तरीके से बजा रहा है उसको हम लोग सुनते हैं ना, तो एक धुन बजाता है देसी अंदाज में, वही धुन हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं, बिल्कुल देसी अंदाज में और देसी तरीके से। अलग अलग स्केल में हम लोग इसमें बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब दोस्तों, हारमोनियम को रखते ही देखो धुन कैसी आती है। ये आवाज बहुत ही प्यारी लग रही है ना? तो इसका जो पैटर्न है, इसका जो मामला है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। आप लोग ध्यान देना एक बार देखो। ये जो पैटर्न है ना, ये आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। अब दोस्तों, मैंने क्या किया, तीसरी काली को सा माना। ये पैटर्न अलग अलग स्केल में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो मैंने इसको सा माना, सा रे मा पा धा सा, ये वाला स्केल था, सा रे मा पा धा सा वाला। पीछे मैंने क्या किया, यहां ये पांचवा बटन पा पकड़ा ये। अब देखना शुरुआती तौर पे एक में ये जो कोमल नी है इसको भी मैं टच कर रहा हूं बार बार, ये शुद्ध नी, ये जो है वो शुद्ध नी है ना। ये मैंने क्या किया, सा को पकड़ा अंगूठे से। दोस्तों, मैं इस शुद्ध नी को टच कर रहा हूं, देखना। ये जो पैटर्न आ रहा ना यहां, ये पैटर्न कैसे चल रहा है दोस्तों, देखना। इस तरीके से चल रहा है, जैसे ये अंगुली यहां है, क्या कर रहा हूं दोस्तों, सा को दबा के रख रहा हूं और फिर इस पैटर्न को बजा रहा हूं, और ये साथ में जो शुद्ध नी है इसको भी मैं टच कर रहा हूं, देखना आप लोग। ये जो आवाज आ रही है वो किस पैटर्न से आ रही है, देखना यहां से। ये सारे मां पा तक जा रहा है ये पैटर्न है ना। प्रत्येक स्केल में हम लोग इसको देखेंगे, ध्यान दे रहा आप लोग।
फिर हम लोग इसको जब स्पीड में बजाते ना तो इस तरीके का ये धुन बनता है दोस्तों, देखना। उसके बाद में दोस्तों अगला जो पैटर्न है यहां से उठ के सीधा यहां जाता है, ये जैसे यहां था और ये अंगूठा यहां आया और यहां, सा पा सा मैंने पकड़ रखा है, दोस्तों ये बिल्कुल आसान चीज लग रही होगी आपको कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये तरीका हम लोगों को सीखना पड़ेगा, है ना। इसको हम लोग किसी भी स्केल में बजा सकते हैं, जैसे देखो चौथी काली से बजाएंगे, चाहे कोई सा भी इसके ले लो, ये जो तरीका ना हम लोग जब सीख गए ना तो ऑटोमेटिकली सुनने वाले को लगेगा इसको बजाना आता है। ये जो पैटर्न था ना, ये सेम का सेम पैटर्न मैंने तीसरी काली से लगाया था, वो का वो प्रत्येक स्केल में लगा रहा हूं दोस्तों। मैंने यहां से सा को पकड़ा, दोस्तों ये जो पैटर्न है किस तरीके से चल रहा है, सा पा पे वापिस जाके रुकता है। धन्यवाद।